हाय बच्चों माय नेम इज मोनिका बेदी एंड यू आर वाचिंग मी ऑन डमी जे यूट्यूब चैनल सबसे पहले तो बच्चों हैप्पी दिवाली ठीक है और दूसरी बात मैं ये बोलूंगी बेटा दिवाली की जो टाइम आया ना जिस समय हमारा मेजॉरिटी चीज़ों से छुट्टी पे चल रहे हैं हम इंजॉयमेंट एक हैप्पी वाइब्स एक फेस्टिव वाइब्स हमारे मन में चल रही है ये मेरी नजर में ना पता क्या है एक्चुअली इट इज कार सर्विसिंग टाइम नहीं होता कार सर्विसिंग टाइम जब हम गाड़ियों की सर्विस करवाने जाते हैं ना तो बेसिकली पता क्या होता है हम गाड़ियों में कुछ एडवांस करवाते हैं कहीं कोई पुर्जे खराब हो गए उनको ठीक करवा लेते हैं तो यही चीजें हमारी पढ़ाई की जो जर्नी है हमारी जेई की ये जो जर्नी है इसके अंदर सर्विसिंग का टाइम है ये इतना बड़ा ब्रेक क्योंकि ये जो दिवाली है इसके लिए मैंने क्या डाक रखा है इस वीडियो का दिवाली आई सिलेक्शन लाई कैसे बच्चों कैसे दिवाली आई और सिलेक्शन लाई आपको दिवाली वेकेशन को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है फेस्टिवल का टाइम है खुश रहना तो बहुत जरूरी है क्योंकि जब तक आप खुश नहीं रहते मेरी नजर में दिमाग के कपाट खुलते ही नहीं है तो वैसे ही फेस्टिव वाइब्स अपने आप में ही बहुत ही हैप्पीनेस लेके आती है बहुत ही खुशी लेके आती है लेकिन इस खुशी को यूटिलाइज बहुत सही तरीके से करना है और प्लानिंग के साथ करना है ठीक है तो ये जो गाड़ी की सर्विसिंग वाली बात मैंने करी है ना ये सर्विसिंग क्या है और कैसे कर करना है वो चीज मैं तुमको इस वीडियो में बताने वाली हूँ जब गाड़ी हम सर्विसिंग के लिए भेजते हैं तो हमारे कुछ पुर्जे जो खराब होते हैं ना वो हम उसको ठीक करवा लेते हैं और कुछ नए पुर्जे एड ऑन कर लेते हैं मतलब कि हमारी पढ़ाई के दौरान अगर हमने कोई चैप्टर कंप्लीट किया है तो अगर उसमें हमारा कोई लेक्यूनर रह गया है लेट से किसी बच्चे ने थर्मोडानेमिक्स प्रिपेयर किया है, लेकिन उसको अडियबिटिक अच्छा से समझ में नहीं आया बेटा यही वो टाइम है कि आपके कहा जिस चैप्टर में कोई लेक्यूनर रह गया है तो आपके पास इनफ टाइम है कि आप उसको थोड़ा फोकस करके पढ़ सकते हो ठीक है और ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जैसे ऑर्गेनिक में किसी को एरोमेटिसिटी में अभी भी कंफ्यूजन है या कोई और मैकेजम्स में कंफ्यूजनस है तो आपका जिस चैप्टर में कोई लेक्यूना रह गया है और जिसमें आपको वक्त नहीं मिला क्योंकि आपके स्कूल चल रहे होते हैं आपके कोचिंग्स ऑन होती है आपको दिन भर में नहीं टाइम मिलता है कि आप किसी चीज को फोकस करके अच्छे से पढ़ सको तो दिवाली की वेकेशन इज द राइट टाइम आप अच्छे से उस समय पर क्या कर सकते हो पढ़ सकते हो क्योंकि मेरा यह मानना है कि दिवाली की वेकेशन को अगर आप सही तरीके से यूटिलाइज करते हो अलॉन्ग विद सेलिब्रेशन सेलिब्रेशन से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना मैं नहीं बोलूंगी कि सेलिब्रेशन से आप कॉम्प्रोमाइज करो लेकिन अलॉन्ग विद सेलिब्रेशन अगर आप सही तरीके से दिवाली वेकेशन को यूटिलाइज करते हो तो आप एक बेटर पर्सन बन सामने आने वाले हो दैट इज फॉर श्योर और आप भूलिए नहीं बेटा आप जेई की तैयारी कर रहे हो आपको लीप लेना बहुत जरूरी है।, ये देश से भरा हुआ है।, 99 है लेकिन थोड़ी सी प्लानिंग जरूर करनी है और वो प्लानिंग में आपसे इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ अब ये जो वेकेशन टाइम है इस समय ज्यादातर कोचिंग ऑफ रहेंगे आप किसी ऑफलाइन कोचिंग में रहते हैं ऑनलाइन क्लासेस बहुत कम होंगी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी तो अपने टाइम को यूटिलाइज कैसे करना है आप करना क्या है मैम ये तो आपने बता दिया कि दिवाली की वेकेशन में हमें पढ़ना है और टाइम को ज्यादातर ऐसे नहीं करना है कि तो घूम घुमा के हमने वेस्ट कर दिया हाँ, फेस्टिव वाइब्स 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 हैं हैं हैप्पी हैप्पी पर इसी में अगर आप अपनी स्टडीज फोकस करेंगे ना तो क्या होगा हमारा डबल फायदा हो जाएगा है कि नहीं तो मैम क्या करना है वो सुनिएगा सबसे पहले तो मान के चलिए इट्स नॉट अ वेकेशन टेक रिविजन मोड रिलीजियसली आपको रिविजन मोड के अंदर आना है और अगर आप ऐसा करते हैं तो आफ्टर दिवाली यू विल बी अ अस्ट्रॉगर जेई एस्पिरेंट जो आप अभी हैं उसके करते जो आप आज की डेट में है, उससे बेहतर एस्पिरेंट बनकर आपको सामने आना है आफ्टर दिवाली उसके लिए आपको एक प्लानिंग की जरूरत है प्लानिंग वन ऑफ द थिंग विच आई कैन सजेस्ट देखो दो तीन प्लान्स है मेरे पास पहली चीज ये है कि जहां जहां कोई कोई लिक्यूना रह गया है जहां जहां आपकी कोई कमी रह गई है किस चैप्टर करने में जिसको फोकस करने का या जिस पे टाइम देने का आपको वक्त नहीं मिला है क्योंकि आपकी कभी स्कूल कभी कोचिंग्स कभी ऑनलाइन क्लासेस इन सब में आपका टाइम निकल जाता है और फिर नींद आती है तो आप टाइम ही नहीं निकाल पा रहे हो कि यार ये प्रॉब्लम है इस चैप्टर में लेकिन हमको नहीं समय मिला करने का वो अब राइट टाइम है क्योंकि अभी आपके पास कोई प्रेशर नहीं है स्कूलों की छुट्टी चल रही है कोचिंग्स ऑफ चल रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस की फ्रीक्वेंसी कम है तो आपको इनफ टाइम मिल जाएगा कि आप ऐसे टॉपिक्स पे फोकस करके पढ़ सके तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस महसूस होगा जो इससे भी बढ़िया प्लान मेरे पास ये है कि आप टोटली रिविजन मोड़ पर आ जाए ठीक है फॉलो अ पैटर्न ऑफ सेवन नाइन फाइव थ्री सेवन नाइन फाइव थ्री में यार सात घंटे तो नींद लीन लेना जरूरी है लेनी भी चाहिए नींद से कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल नहीं करना चाहिए ठीक है नौ घंटे की यार पढ़ाई निकाल लेना तुम मतलब स्टडिंग आवर्स अपने नाइन आवर्स के आप जरूर फाइंड आउट करें ठीक है नौ घंटे की आपको पढ़ाई निकालनी है पांच घंटे आपके सेलिब्रेशन पे सेलिब्रेशन के लिए पांच घंटे कम नहीं होते और जब सेलिब्रेट करो ना एकदम अच्छे से करना जैसा तुम्हारे मन को अच्छा लगता है जो तुम्हें अच्छा लगता है दिवाली सेलिब्रेशन के नाम पे सब लोग अपने अपने तरीके से सेलिब्रेट करते हैं दिवाली सेलिब्रेट करने का सबका अपना एक अलग अंदाज होता है एक अलग स्टाइल होता है आफ्टरऑल ये है कि हाँ खुशियों का त्यौहार है तो वो पांच घंटे आपके हैं जिसमें आपने वो फेस्टिवल अपने अपनों के साथ में मनाना है वो सेलिब्रेट करना है वो तो हमारा हक है हम वो करेंगे ठीक है

घंटे सेलिब्रेशन और तीन घंटे फिर भी हमारे पास फ्री है इधर उधर के कोई भी काम करने के लिए तो इन घंटों को आप कैसे मैनेज करते हैं 5 +3 को, वो आपका देखना है पर नाइन आवर्स की स्टडी किसी भी तरीके से निकालना है ना और ये दिवाली के दिन के लिए बोल रही हूँ मैं तो सोचो अगर मैं ये दिवाली के दिन के लिए बोल रही हूँ तो इसका मतलब आपको आगे पीछे तो नौ को या तो नौ मिनिमम नाइन या उससे बढ़ा भी सकते हो आप बहुत ही अच्छा होगा बढ़ा देंगे तो अब इन नाइन आवर्स को आपको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है ठीक है कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीन सब्जेक्ट है तीन तीन घंटे आप एक सब्जेक्ट को दे सकते हैं अगर टोटल हम सेवन डेज का प्लान बनाए दिवाली वेकेशन का तो सात दिन में मेरा ये मानना है कि आपको सात चैप्टर फिजिक्स चैप्टर केमिस्ट्री के सात चैप्टर आपको मैथ्स के आप आराम से रिवाइज कर सकते हो क्या करना है बहुत डिटेल में नहीं जाना है आपने कोई ना कोई शॉर्ट नोट्स या कुछ ना कुछ आपके नोट्स होंगे जो आपने पढ़े हुए होंगे आपके तैयार होंगे तो वो नोट्स आपको थ्रू करने हैं उसके अलावा कुछ सिलेक्ट इलिस्ट्रेशन करने हैं खुद से ठीक है सिलेक्टिव इलिस्ट्रेशन करने हैं ताकि जो भी टॉपिक्स आपने रिवाइज किए उसमें ज्यादा नहीं पंद्रह बीस सेलेक्टिव इलिस्ट्रेशन आपको करके देखने हैं ठीक है ये थ्री आयर्स का एक चैप्टर का डिवीजन बता रही हूँ मैं दूसरा आपको ऐसी वर्कशीट देखो बहुत सारी किताबें आती हैं कोचिंग के मॉड्यूल्स आते हैं आप फिफ्टीन टू ट्वेंटी क्वेश्चन की खुद के लिए वर्कशीट बनाए या कुछ फिफ्टीन टू ट्वेंटी क्वेश्चन का सेट बना कि भैया मुझे इससे यहाँ से लेके यहाँ तक के क्वेश्चन करने हैं और कोई भी बुक के हो सकते हैं बट उसमें सोल्यूशन होने चाहिए बेटा आंसर और सोल्यूशन में फर्क होता है आंसर ये ए बी सी डी सोल्यूशन ये है कि एक्सप्लेनेशन ताकि हमारे टाइम वेस्ट नहीं होगी पता चला पौना घंटा तो हमारे यार मैंने बी कर दिया आंसर तो सी है लेकिन मेरे को पता नहीं चल रहा सी कैसे हाँ, दोस्तों से पूछ पूछ के टाइम वेस्ट किए जा रहे हैं वो नहीं सोल्यूशन वाला मतलब चुनना कुछ ऐसा जिसमें सोल्यूशन गिवन हो तो आपको तीन घंटे का प्रति चैप्टर ये डिस्ट्रीब्यूशन है नोट्स पढ़े सिलेक्टिव इलिस्ट्रेशन करे वर्कशीट करी चलो सुबह हमने तीन घंटा केमिस्ट्री पढ़ ली फिर थोड़ा ब्रेक ले लिया फिर उसके बाद वही फिजिक्स का एक कोई चैप्टर उठाया और चैप्टर ऐसे उठाना जो तुम्हारे पढ़े हुए हों तो उनको आप दोबारा से पढ़ोगे तो बहुत जल्दी नहीं हो जाता है फिर वो

तो उस वक्त आपको बहुत हैप्पी फील आ रही होगी कि यार मैंने इस टाइम को यूटिलाइज किया है क्योंकि इस टाइम को यूटिलाइज करना वाकई में बहुत ज्यादा जरूरी है और पढ़ाई करने का तरीका क्या होता है लेट से कि ये मॉड्यूल है सपोज ये एक मॉड्यूल है नोट्स बेटा कॉन्फिडेंस ये चीज़ होती है कि इस मॉड्यूल में मैंने जो ये चैप्टर कर लिया तो इसमें से आप मुझसे कुछ भी पूछ लो मुझे सब आता है ये कॉन्फिडेंस आपका मुझे चाहिए इस दिवाली में ठीक है तभी आप एक ट्रू जयपरेंट बन के सामने आएंगे एल्स क्या होगा पूरी वेकेशन निकल जाएगी और आप अपन ने मस्ती कर ली मजे कर लिए खूब फन कर लिया और दिवाली के बाद रियलाइज होगा यार अपन का टाइम तो निकल गया अब क्या करें अब नई स्ट्रैटेजी बनाए तो बेटा मैं हाथ जोड़ के आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि हम जिस लक्ष्य को पाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं किसी भी हालत में ये गोल्डन चांस मिस नहीं करेंगे कि हमारे पास इतना अच्छा ब्रेक है और हमने पूरा ब्रेक जो है वो मस्ती मजाक करने में यूज कर लिया तो आप पूरे सात दिन में सात चैप्टर फिजिक्स के साथ चैप्टर केमिस्ट्री के साथ चैप्टर मैथ्स के निपटा सकते हैं कोई फेलियर हो जाए सात नहीं मैं हमारे तो छे हुए मैम तो छः हुए छ नहीं हुए मैम पांच हुए कोई दिक्कत नहीं है लेकिन ये चीज ये है कि अगर आप ऐसा करते हो तो यू विल कम बैक एज अ स्ट्रॉगर कंटेंडर आफ्टर दिवाली एंड दिस इज वॉट वी वॉन्ट फ्रॉम यू बिल्कुल ठीक है तो ये आपको करना है जरूर से करना है आपका कॉन्फिडेंस लेवल ही अलग होगा आपको मजा आ जाएगा एंड एट लास्ट मैं बोलूंगी हैव अ वेरी सेफ एंड हैप्पी दिवाली आपके पेरेंट्स को मेरी तरफ से बहुत सारा रिगार्ड्स एंड हैप्पी दिवाली टू यू एंड योर फैमिली अच्छे से मनाइएगा सेफली मनाइएगा है ना इट्स अ फेस्टिवल जिसमें मुझे लगता है कि हर कोई अंदर से खुश होता है और ये बहुत ज़रूरी भी होता है क्योंकि जब हम खुश होते हैं ना तो हमारे दिमाग के सारे दरवाजे खुले हुए होते हैं और इसलिए पढ़ाई भी अच्छी होती है इसलिए मैं आपको याद दिलाने कि बेटा पढ़ना मत भूल जाना क्योंकि दिवाली चली जाएगी ना तो बाद में एक दुख छोड़ जाएगी कि यार हमने टाइम वेस्ट कर दिया तो प्लीज आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू नॉट टू वेस्ट यू टाइम एंड हैव अ हैप्पी एंड सेफ दिवाली फाइनली मैं बताऊंगी जीएलडी की क्लासेस हमारी रेगुलरली चल रही है मंडे वेंडेडेडेडेड फ्राइडे को इलेवन एंड टूजडे थर्सडे सैटरडे को हमारी ट्वेल्थ डॉट कॉम स्लेश जुड़ना से सारा कंटेंट है जब जब जिस चीज की जरूरत पड़े आप इजिली एक्सेस कर सकते हैं अन अकेडमी जी पब्लिक चैनल पर आपको रहना है क्योंकि यहाँ हम कुछ भी करवाते हैं फ्री सेशन फ्री यूट्यूब क्लासेस के लिंक्स यहाँ प्रोवाइड हो जाते हैं एवरीथिंग इज देयर इन बच्चों में इस कैटेगरी में आने के लिए दम चाहिए इस कैटेगरी में के लिए प्लानिंग चाहिए आप मुझे बोलते हो मैम आपने तुम्हारी दिवाली वेकेशंस की ऐसी तैसी कर दी आप नौ घंटे पढ़ने को बोल रहे हो तो बेटा मैंने ऐसी की तैसी नहीं की मैंने एक प्लान प्रोवाइड किया है जो आपको ऐसी सक्सेस तक पहुंचाएगा उसके बाद हर साल दिवाली होगी ठीक है यू ने की दिवाली के वेकेशन में हमने अपना दिवाली निकाल लिया पढ़ाई का वो मत करना बेटा है ना आगे बढ़ते हैं प्लस के प्लेटफॉर्म पे हम बहुत ही अमेजिंग तरीके से पढ़ाते हैं जो आपको पोल्स एंड डी अबाउट ऑप्शन टाइम टाइम पे डी मिलना उनका डिस्कस होना और उसके अलावा आपकी बहुत सारी क्वेजेस जिसके रिजल्ट रैंक वाइज मिलना तो दीज आर सम यू नो ब्यूटिफुल चीजें जो कि प्लस के प्लेटफॉर्म को एक क्लासरूम की शक्ल देता है ठीक है एंड एट लास्ट मैं कहूंगी यलगार योगी एंड योद्धा बैचेस जो है देश के टॉप मेंटर्स इनको इन बच्चों को पढ़ा रहे हैं इन बच्चों को आई में तब्दील करने की पूरी जी जान से कोशिश कर रहे हैं तो आप इन बैचेस को एक्सेस कर सकते हैं बाई टेकिंग प्लस कर सब्सक्रिप्शन, अनलिमिटेड एक्सेस कर सकते हैं और अगर आप उड़ान को डूज करते हैं तो आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिल जाएगा जो भी अकाडमी ऑफर कर रहा होगा मैक्सिमम पॉसिबल यूजिंग उड़ान ठीक है ऑफलाइन अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप कोटा लखनऊ नोएडा पटना में हमारे सेंटर्स ओपन है पे अमेजिंग मेंटर्स आपकी आपको पढ़ाई कराएंगे एंड आपके इस सपने को जरूर पूरा करने की कोशिश करेंगे कंपिट एक ऐसा ऐप पे एक फीचर है जिसमें आप ना खेल खेल में बहुत सारे एमसीक्यू प्रैक्टिस कर सकते हैं तो उड़ान कोड यूज करके आप ये जरूर कर सकते हैं सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर करना चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करिएगा एंड बच्चों Uh, पढ़ाई करिएगा नाइन आवर्स पढ़ाई के निकालने की रिक्वेस्ट है बस और कुछ नहीं और इसके बाद जो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हमने अपना दिवाली जो है वो मनाया भी बहुत अच्छा। जब मनाया तो बहुत अच्छे से मनाया और जो हमने टाइम था उसका यूटिलाइजेशन बहुत अच्छा किया दिस विल मेक यू अ अस्ट्रॉगर कंटेंट दिस विल मेक यू अ बेटर जे एस्पिरेंट एंड ऑल द बेस्ट विद दैट हैप्पी दिवाली हैव अ हैप्पी एंड सेफ दिवाली टाटा बाय बाय लेट्स क्रैक इट